You have worked with Sidhu Moosewala? Have you met him? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. और पाजी की हाल चला ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है, it's extreme level fandom. Yeah. So I was reading recently a fact. इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज्यादा बार प्ले होने वाला है मूसे टेप. ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था, इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज अ सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते. टू मी दैट वॉज फैसिनेटिंग. कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना, एक बार आपका गाना उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? आई थिंक हिज राइटिंग. आई वॉजंट अ फैन ऑफ हिज म्यूजिक पहले, पर उनका जो गाना आया 295, हाँ, मैं उससे फैन हो गया था. व्हाट ही रोट, the way he wrote, so that's how it works. It's a kind of hip hop vibe jo aapke thoughts hain aap wohi likh rahe ho, wo aisa lagta hai ki aap hi ki baat ho rahi hai logon ke sath. And in the way his powerful voice and his personality, everything just added up everything. yeah but so I used to wonder and I still do कि इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग कैसे बनता है किसी का भी. आई स्टिल आई ऑल्सो वंडर. मेरे को ना ये पहली बात है. सो दिस वन ऑफ माय फ्रेंड जो सिद्धू मूसेवाले के बहुत क्लोज थे, तो मैंने पहले 2-3 गाने सुने. मेरे को वो सो हाई वाज सुपर, जो पहले शुरू में गाना है, मेरे को अच्छा लगा. देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें, क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं, हाँ, कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा मैं इन चीज़ों से मेरे को नहीं अच्छी लगती. ठीक ठीक है, ओके, यू डूइंग इट, आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, और आई एम नॉट लाइक मेरे को ये क्या है. नो, इट्स गुड इफ यू आर डूइंग इट. तो मेरे को शुरू में वो नहीं लगता. मैंने उनको बोला, मैं क्या यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करता है भाई, तो मेरे को लगता है कि ये कितने साल, 2-3 साल, 1-2 साल सेम गाने तरीके. बट व्हेन ही डिड 295, then he showed his versatility. उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे, then I got to know he's what an artist he is यार. अलग ही, he was अलग, he had something, कुछ divine something, because the way he wrote his songs before this happened, उन्होंने अपने गानों में लिखी हुई हैं चीजें यार. Last ride. I was shocked. I was in Australia जब उन्होंने जब when this happened, तो उसके बाद तो मैं एक महीना लगातार उस सारे गाने सुने, and then every word whatever he wrote reality हो गई है. That was insane. That's yeah. जो बहुत सारी fan theories जो चल रही थी and सब point to point, I was like भाई ये कैसे होता है 295. एक गाने में उन्होंने लिखा है कि right bonnet गड्डी दे बजे फेर, मतलब राइट बोनेट की राइट साइड पे फायर बजा हुआ, वो पहले लिखा हुआ था और असली में राइट साइड पे फायर बजा हुआ. इनसेन. ओके, तो यू फील कि स्ट्रगल स्टोरी दिखाना फॉर एन आर्टिस्ट इज इंपॉर्टेंट? कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट इट इंस्पायर्स पीपल आल्सो. मतलब जिन लोगों ने कुछ करना है, उनको लगता है कि यार हमारे बीच में से ऐसे उठ के ये बंदा ऐसे बड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रगल स्टोरीज एवरीथिंग सुन के दे कनेक्ट. और किसी की नगर नहीं है तो फिर क्या, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, देख लेना आप. बल्कि कितनी भी अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब या तो उनका काम ऐसा हो जो काम के साथ कनेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा. मैं रफ्तार भाई से पूछ रहा था, ओके, आई वाज आस्किंग हिम कि हाँ इंडिया में जैसे लॉजिक, पता है एक रैपर, नहीं US में लॉजिक, नहीं, ओके, तो वो काफ़ी डे टू डे लाइफ पे लिखता है. वो बोलता है कि एवरी डे मैं हसल कर रहा हूँ कुछ बनने के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी है, मेरा मतलब बहुत डे टू डे स्ट्रगल. वो कभी ये नहीं बताता कि मैं पहले बड़ा गरीब हुआ करता था या मैं ऐसा था, मेरी रैक्स टू रिचेस स्टोरी कुछ नहीं बताता. फिर भी उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग. ठीक है, इंडिया मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखा जो नॉर्मल बातों पर बना के बनाता है.
इंडिया में यूजुअली जो बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होती है तो हर कोई ये बताता है कि पहले मैं बड़ा ऐसा था, अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, बंगला, गाड़ी, लड़की, पैसे, सब इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ तो टूटे दिल की बात करते हैं, हर जगह स्ट्रगल स्टोरी होती है। जिसके कोई स्ट्रगल नहीं होते वो आदमी ज़्यादा चल नहीं पाता। इज इट जरूरी फॉर एवरीवन टू डू इट? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब स्ट्रगल स्टोरीज ना, इज टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट नंबर वन, आपको लगता है कि फैन फॉलोइंग आप हमें दिखती नहीं है ना, बिकॉज ही हैज़न, अगर इंडिया में नहीं आ रहा, हमारे सामने नहीं दिख रहा है कितनी फैन फॉलोइंग, बट द वे ही डिड हिज शोज एंड एवरीथिंग, पीपल वर क्रेजी। हाँ हाँ, दैट्स श्योर। नहीं, आई एम श्योर कि गाने बहुत बढ़िया, आई एम जस्ट सेइंग कि आर्टिस्ट कनेक्ट विद द आर्टिस्ट। देयर आर टू थिंग्स, आर्टिस्ट एंड आर्ट। या लोग उनको आर्ट की वजह से जानते हैं, या लोग उनको आर्टिस्ट की वजह से नहीं जानते। सो दिस इज, आई विल गिव एग्जांपल, आई लव गिविंग दिस फॉर शाहरुख खान एंड सलमान खान। ओके, शाहरुख सलमान की मूवीज को इसलिए देखने नहीं जाता कि मूवी बहुत अच्छी है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, वो शाहरुख है, वो सलमान, इसलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं। सो दैट्स, सो आर्टिस्ट इज वे बिगर देन देयर आर्ट। नाउ आर्ट स्टैंड्स ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस वैल्यू, पीपल आर नॉट जजिंग, नोबडी। मैं किसी से मिला जिसने बोला पठान जज करी कि भाई अच्छी थी कि गंदी थी, तो वो भाई शाहरुख खान वापस आ गया। हाँ सही है, यही बात करते हैं। कोई बात नहीं कर रहा। अभी शाहरुख खान का एक गाना नहीं, जवान का जो देखा, रेड शर्ट में, वो बात करो भाई शाहरुख खान क्या फिट लग रहा है यार, 57 का है। कोई बात नहीं कर रहा गाना अच्छा है कि नहीं। Yeah, that's a cult following. That's a cult following. So that's what I was saying. Do you think that struggle, and Shahrukh Khan is a crazy example for this, कि मैं zero से आया, ये बना, तो उन्होंने following. शाहरुख खान एक उम्मीद है। तो वैसी ऐसी बातें हैं ना, ये बातें बहुत लोगों को कनेक्ट कर जाती है। वो बात सुनिए ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि वो कुछ घर का था कि मैं इस शहर पे राज करूंगा। हाँ हाँ, मैं इस मरीन ड्राइव पे खड़ा था, मरीन ड्राइव पे नरिमन पॉइंट पे खड़े होके मैंने बोला था एक दिन मुंबई शहर मेरा होगा। और उसके बाद वो चीजें हो जाती हैं, तो लोग आप वैसे भी उन्होंने जो जो अब तक काम कराया एंड सस्टेनिंग इट फॉर सो लॉन्ग डूइंग द सेम बीइंग देयर एंड वही सेम चीज, ही इज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार। सो ओके, सो समराइजिंग एवरीथिंग, कि एक आर्टिस्ट को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बनानी है, अभी तक के पैटर्न्स देख के ऐसा लगता है कि उनको एक तो बहुत रिलेटेबल होना पड़ेगा, येट दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा बन गया हूँ। राइट, अगर शाहरुख खान बोलता है कि मैं ऐसे दिल्ली से आया, गली में घूमता था, गौरी को मैंने रोड पे देखा, बीच पे देखा, अगर वो वही रह जाते तो कोई ज्यादा इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी, क्योंकि हम सबकी स्टोरी। अब वो मन्नत में बाहर निकलते हैं, इसलिए वो स्टोरी है कि भाई ये आदमी बीच पे भी था क्या। तुम रिलेटेबल येट तुम फार दिखाओ। स्टोरी, किसी की भी स्टोरी बड़ी करने के लिए स्टोरी का स्टार्ट और स्टोरी का क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना। बहुत ट्रू। एक फिल्म का भी क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना, तब फिल्म काम करती है। तभी मतलब, बट थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जो आर्टिस्ट नंबर टू और शाहरुख खान में कॉमन है एंड बहुत सारे लोगों में कॉमन होगी, दैट इज फ्लैशबैक में ही बताओ कि मैंने ये बोला था और मैंने कर दिया, या ये बोलते चले जाओ कि मैं एक दिन करूंगा और जब वो होता है तो फिर लोग तुम्हें ध्यान रखते हैं। या डू यू फील दैट वर्क्स? दैट आल्सो वर्क्स, आई थिंक यस, बिकॉज विनिंग एक इमोशन है जो हर इंसान जीना चाहता है, तभी स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। कि जब भी हम हमारी कंट्री को देखते हैं, हमारे क्लब को देखते हैं, या हमारे आर्टिस्ट को देखते हैं जीतते हुए, हमें लगता है हम जीते हैं। क्योंकि रोज की लाइफ में हमें लगता है हम रोज हार रहे हैं, तो दूसरा जो जीत जाता है कि मैं अपनी जीत उससे करता हूँ। तो विनिंग इज वन इमोशन दैट एवरीबडी वांट्स एंड दे ट्राई टू रिलेट इट विद देयर आर्टिस्ट। तो तुम अगर अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को अगर तुम ये बता सकते हो कि भाई ये पाना है, अपने को जीतना है, और साथ में अगर जीत जाते हैं उनके सामने, तो तुम एक बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग बनाओगे। 100% ये मेरे को भी सीखने को मिला अब आपसे। क्या बात कर रहे हो? कि ये भी एक बड़ी चीज, सो शाहरुख खान ही करता है। लुक एट इट, राइट? शाहरुख खान बहुत सटली वेरी सटल, बहुत सालों से वो बोलते आ रहे हैं कि अगला मेरे ऐसा कोई होगा नहीं। हाँ, पहले ही दिमाग में डाल दिया लोगों को कि होगा नहीं, और जब अब 10 साल बाद हम देखते हैं कोई नहीं है, तो हम दूसरों को कंसिडर भी नहीं। देर आर पीपल जिन्होंने उनसे बड़ी हिट्स दी है मूवीज, बट कोई उनको कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो प्लांट कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि मैं, मतलब ये है कि जब मैं वापस आऊँगा, मैं नहीं कर रहा मूवीज, लेकिन जिस दिन आऊँगा तोड़ दूंगा वापस ब्रो। बहुत सटली बोलते हैं, हाँ, तोड़ दूंगा मैं बॉक्स, राइट? आराम से बोल देते हैं, ठीक है, फिर वो करते हैं। फिर तीसरा, जब आई वाज सीइंग इट अर्ली इंटरव्यूज, राइट, तभी उन्होंने बोल दिया था कि आई विल बी द बेस्ट, आई विल बिकम
I'll become the biggest superstar in my field. Yeah, yeah, yeah. मतलब आगे बढ़ के बोल दिया. अब वो बार बार उसके मुझे पीछे से आते हैं उनके जो क्लिप्स आती है ना, जो आजकल लोग रील एडिट कर देते. सो वेन यू से दिस, मुझे लगता है कि यार इस बंदे ने सब बोल दिया, उसको पता था. तो अब मेरी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि यार ये बोल के किया है, बोल के इससे कुछ सीखना चाहिए. बोल के किया, सही बात है. बोल के कुछ चीज आप पूरी कर देते हो तो उसके साथ तो फिर आप कनेक्ट हो जाता है बच्चे. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो.